कहानियों में हम पढ़ेंगे प्रेमचंद की कहानी बूढ़े का की। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घरवाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो ये रोने लगती थीं। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थीं। उनके पतिदेव को स्वर्ग से धारे कालांतर हो चुका था, बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के अलावा और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्जबाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र ही सही, पर ईश्वर से डरती थी, अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमनसाहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूं, यदि भौतिक आश्वासन और सूखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता हो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। यहां तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वह आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काटकर भागता, कोई इन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती हैं, अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जिह्वा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह थी बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से सुरक्षा कहीं सुलभ थी तो बस यहीं। इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप खड़ा भाट विरुदावली सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है, यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थीं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे, एक में पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थीं, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे, एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंधि चारों ओर फैली हुई थी।
बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियां न मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वह रो न सकी। आहा, कैसी सुगंधी है! अब मुझे कौन पूछता है? जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं, तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपेट पूड़ियां मिलें। यह विचार कर उन्हें रोना आया, कलेजे में हूक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंधि रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिख दिया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम होता कि क्या क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों न चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं? पूड़ियां छन छन कर तैयार होंगी, कड़ाह से गरम गरम निकालकर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास जा बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास जाती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसी ने यह न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश न था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। यह भी खटका था कि जरा आँख हटी और चीज़ों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठी देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसी ने बैठी हुई हैं, मन में क्या कहेंगी। पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेंढक केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ, दिन भर खाती न होती तो न जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती है। डायन न मरे न माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, ना कटवा कर दम लेगी। इतना ठूसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो, चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए परंतु तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए। नदी में जब कगार का कोई वृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। भोजन तैयार हो गया है, आंगन में पत्तलें पड़ गईं, मेहमान खाने लगे।
स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों के नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे, परंतु सभ्यतानुसार जब तक सबके सब खाना चुके कोई उठ नहीं सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे सेवकों के दीर्घाहार पर झुंझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेकार की बात समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहां से कहां आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा न जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचिकर सुवास बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गई होंगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए, जेवनार गाया जा रहा है। यह विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे, किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया है। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। सोचती हो कि आप ही आवेंगी, वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई, यह विश्वास कि एक मिनट में पूड़ियां और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से, कचौरियां रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहा करें इतने दिन के बाद पूड़ियां मिल रही हैं तो मुंह झूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर सरकते हुए आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी, कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं, कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियां छूटी जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता, कोई दही खाकर चटकारता था परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ पहुंची। कई आदमी चौंककर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है, यहां कहां से आ गई, देखो किसी को छू न दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया। जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही उसका टेंडुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशरूपी वाटिका लू के एक झोंके में विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी सभी जब भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को करुणा न आई थी, अकेली लाडली उनके लिए कुड़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था, बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि हम लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियां नहीं देते, क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे, और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल न खाई थी, अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद कर रखी थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी,
पूड़ियां देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात को 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना आती थी। काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं, तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी कैसे चलूं। चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि सामने वाले नीम पर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा, वह स्पष्ट दिखलाई दे रही है। मारे भय के उसने आंखें बंद कर लीं। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढांढस हुआ। कई सोए हुए मनुष्यों के बदले एक भागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका, वे मूर्छित हो गईं। जब वे सचेत हुईं, तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। समझी कि सब लोग खा पी कर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? राम, क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुध न ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि न जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखावे। मैं पेट की रोटियां ही खाती हूं कि और कुछ? इस पर यह हाल, मैं अंधी अपाहिज ठहरी, न कुछ सुनू न बूझू। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते न बनता था कि काकी अभी लोग खाना खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा पटका, उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी। जब तब ही नहीं दी, तब अब क्या देंगे? यह विचार कर काकी निराशामय संतोष के साथ लेट गई। ग्लानी से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती न थी। सहसा कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियां लाई हूं। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उस भांति इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरी थी, बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियां कैसे पाऊं। संतोष सेतु जब टूट जाता है, तब इच्छा का भाव अपरिमित हो जाता है। मतवालों को मद का स्मरण करना उन्हें मदांध बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छाओं के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रहीं। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। दीन क्षुधातुर हतज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियां कितनी सलोनी, खस्ता कितने सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ जाती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रियाँ थीं। ठीक उसी समय रूपा की आँख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंकी।
चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती वही उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों की झूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा निकृष्ट कर्म कर रही है, यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। इस अधर्म का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगनमंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़ते थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दय हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया आय हो रही है उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपये व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत से हजारों रुपये खाए उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण तो वह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी, आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उसमें किसी को वह परमानंद प्राप्त न हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठारुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दें। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थीं और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में